हेलो फ्रेंड्स, मैं अतुल तिवारी सीजीपीएससी ज्ञान में आपका स्वागत करता हूं। आज हम भारतीय संविधान के भाग 9 के बारे में चर्चा करने वाले हैं। भारतीय संविधान में वर्णित जो भाग 9 है, जिसमें पंचायतों के बारे में चर्चा की गई है, उससे संबंधित हम बातें करने वाले हैं। आज की इस चर्चा में हम पंचायती राज अधिनियम के बारे में बात करने वाले हैं। इसको चालू करने से पहले मैं आपको इसके इतिहास पर ले जाना चाहूंगा कि ये कब से शुरू हुआ, कैसे हुआ। जैसा कि आपको पता होगा, जो हमारे ग्रामों का विकास है, जो हमारे ग्रामों की पहचान है, वो प्राचीन काल से चली आ रही है और ये व्यवस्था हमारी प्राचीन कालीन व्यवस्था है। हमें वैदिक ग्रंथों में भी, जैसे कि अथर्ववेद हो गया, इन सब ग्रंथों में भी, वैदिक जो ग्रंथ है हमारे, उनमें भी इन ग्रामों का अस्तित्व मिलता है, वहां पर भी इसका उल्लेख मिलता है। और उस समय ये जो ग्राम पंचायत होती थी, ये जो ग्राम सभा होती थी, वो विवादों का निपटारा करने का कार्य किया करती थी। विवादों का निपटारा इन पंचायतों के माध्यम से किया जाता था। इसके बाद जब जनपद काल देखते हैं हम, बौद्ध काल के नाम से भी जिसे जानते हैं, उस काल में हम देखते थे कि जो वृद्ध व्यक्ति होते थे, उनसे मिलकर ये ग्राम सभा बनाई जाती थी, ग्राम पंचायत बनाई जाती थी। और वो भी जो उसका जो प्रमुख होता था, ग्राम भोजक कहलाता था। और ये ग्राम भोजक जो है, विवादों के निपटारे में महत्वपूर्ण स्थान अदा करता था। इसके बाद जब हम बात करते हैं तो देखते हैं कि जो मौर्यकालीन इतिहास है, मौर्यकालीन इतिहास में जो कौटिल्य ने वर्णन किया, उसमें राजनीतिक जो व्यवस्था थी, उसकी प्रमुख इकाई के रूप में इस ग्राम सभा या ग्राम पंचायत को स्थापित किया, इस ग्राम व्यवस्था को स्थापित किया है एक राजनीतिक इकाई के स्वरूप में। जब हम इसे और आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि गुप्तकालीन जो व्यवस्था थी, वहां पर भी ग्रामों को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया था। जो उसका प्रमुख होता था उसे ग्रामीण कहा जाता था, ग्रामीण जो था वो वहां का प्रमुख होता था, ठीक है। और उसके बाद जब हम देखते हैं तो हम चोलकालीन इतिहास में इस स्थानीय स्वशासन का महत्वपूर्ण स्थान देखते हैं। वहां पर जो स्थानीय स्वशासन था उसे कुर्रुम कहा जाता था, चोलकालीन व्यवस्था में, जहां पर उसे कुछ अधिकार प्रदान किए गए थे, जो ग्राम पंचायत थी, जो ग्राम सभा थी उसे, जो कि बहुत महत्वपूर्ण प्रतीत होती है। इसके बाद जब विदेशी आक्रमण हुए, मुस्लिमों का आगमन हुआ यहाँ पर भारत में, तो ये जो व्यवस्था थी वो कुछ समय के लिए लुप्त होती प्रतीत हुई। लेकिन जैसे ही हम आधुनिक भारत में पहुंचते हैं और देखते हैं कि अंग्रेजों का यहाँ आगमन होता है, तो उन्होंने अपने चार्टर 1793 के चार्टर में पहली बार इस स्थानीय स्वशासन की बात की थी, जो कि स्थानीय स्वशासन से संबंधित था। लेकिन ये जो प्रयास है वो लगातार चलते रहे। इसे मूर्त रूप दिया गया 1882 में, जब लॉर्ड रिपन हमारे भारत के वायसराय बने, उन्होंने जिला बोर्डों का गठन किया और जिला बोर्डों का गठन कर उन्हें उपखंडों में बांटा, जो कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का एक स्वरूप था, मूर्त रूप था। और यहाँ से इसी कारण उन्हें स्थानीय स्वशासन का पिता कहा गया, क्योंकि उन्होंने इस स्थानीय स्वशासन को जन्म दिया, मूर्त रूप प्रदान किया। इसके पश्चात ये विधि जो आगे बढ़ी 1907 में इन पंचायती राज्यों के संबंध में विचार करने के लिए शाही आयोग का गठन किया गया 1907 में। 1907 में जब ये शाही आयोग बना तो इसी की सिफारिश पर 1919 का जो अधिनियम आया उसमें पंचायती राज्यों के प्रावधान किए गए, उनको जो प्रांत होते थे उनके अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था जो थी उसका विस्तार किया गया, उनको कुछ अधिकार प्रदान किए गए, ग्रामों का जो ग्राम सभा है उसका निर्माण किया गया कुछ ग्रामों को मिलाकर। इस प्रकार 1919 का जो अधिनियम है वो भी महत्वपूर्ण हो जाता है। और 1919 के अधिनियम को फिर से और अधिक विस्तार प्रदान किया गया 1935 के अधिनियम में। लेकिन इस समय तक जो कांग्रेस थी, जो इस अधिनियम में पारित किए जा रहे थे, इन स्थानीय स्वशासन व्यवस्था का विरोध कर रही थी कि ऐसा नहीं होना चाहिए। पंचायती राज व्यवस्था का विरोध किया गया था कांग्रेस के द्वारा। लेकिन जैसे ही हमारा देश स्वतंत्र हुआ, तब आपको पता होगा कि गांधी जी भी, जो हमारे पंचायती राज व्यवस्था थी उसकी सबसे बड़े समर्थक थे गांधी जी, ठीक है, जिन्हें महात्मा गांधी कहा जाता है, हमारे जो राष्ट्रपिता है, वो इस पंचायती राज व्यवस्था के सबसे प्रबल दावेदार थे, सबसे प्रबल समर्थक थे इसके। और उन्होंने कहा कि हमारे गांव, जो गांव है वहां पर हमारे देश की आबादी जो है वो सबसे ज्यादा निवास करती है, और उस संबंध में यदि हम ग्रामों का विकास नहीं करते हैं, ग्रामों का विकास नहीं करते हैं, तो हमारे देश का विकास संभव नहीं है। और उन्हीं के दबाव में और जो, जैसा कि आपको पता होगा कि जो हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, वो भी लोकतांत्रिक प्रवृत्ति के थे, वो भी चाहते थे कि जो जनता है उन तक हमारी पहुंच हो, उनका भागीदारी हो हमारी सरकार में। इसलिए उन्होंने इनकी सिफारिशों पर जब संविधान लागू किया गया, तब अनुच्छेद 40 में पंचायती राज व्यवस्था का गठन किया गया। लेकिन इसे अनिवार्य नहीं बनाया गया, इसे एक, जैसा कि आपको पता होगा कि जो अनुच्छेद 40 है वो भाग 4 जो कि नीति निदेशक तत्व उनमें वर्णित है, जिनको अनिवार्य नहीं बनाया गया है राज्यों के लिए।
ये उनके लिए नीति निदेशक है, मतलब जब नीति निर्माण होगी तब वो उन आदर्शों का पालन करेंगे। यह आवश्यक नहीं है कि आदर्शों को मानना ही पड़ेगा, इसलिए बहुत से राज्यों ने इसे सीरियस नहीं लिया, जैसे इसको स्थान मिलना था वो उस प्रकार का स्थान नहीं मिल पाया। इस पर लगातार प्रयास किए गए। 1952 में जब सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू किया गया, जो जनता है उसकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए, उसे आर्थिक नियोजन में भाग लेने के लिए प्रेरित करने के लिए, उनमें रुचि जगाने के लिए, जो सरकारी कार्य चल रहे थे उनमें रुचि जगाने के लिए, जनता की सक्रिय भागीदारी हुई ये जानने के लिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाया गया 1952 में। इन्हीं का विस्तार किया गया 1953 में। और जब ये कार्यक्रम चला तो उस दौरान बहुत से सरकारी कार्यालय बने लोगों को जोड़ने के लिए, लेकिन ये सरकारी जो तंत्र बनाए गए वो सरकारी तंत्रों का तो विकास हो गया, लेकिन अब भी जनता की जो भागीदारी है वो सुनिश्चित नहीं हो सकी, जिसके कारण जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम है वो असफल रहा। और इसकी समीक्षा करने के लिए 1957 में एक कमेटी का गठन किया गया, जिसे बलवंत राय मेहता कमेटी कहते हैं। इस कमेटी का गठन जनवरी 1957 में किया गया था और इसने नवंबर 1957 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। नवंबर 1957 में जब इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की तो इसने बताया कि जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाए गए थे इनमें जनता की सक्रिय भागीदारी नहीं बन पाई, ये केवल जो सरकारी तंत्र थी उसके विकास से संबंधित होकर सीमित हो गया, और इसलिए हमें कुछ प्रावधान करने होंगे, कुछ सुझाव दिए उन्होंने कि जिसके तहत हम जनता की भागीदारी सुनिश्चित कर सकते हैं। इनके कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान हम देखते हैं कि इन्होंने कहा कि यदि हम जनता को शामिल करना चाहते हैं इस सरकारी तंत्र में तो उनको भागीदारी बनाना पड़ेगा, उनको भागीदार बनाना पड़ेगा इस तंत्र का, इस तंत्र में उन्हें शामिल करना पड़ेगा। इसके लिए उन्होंने पंचायती राज व्यवस्था की बात की, उन्होंने पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायत की बात की, जिसमें ग्राम पंचायत होता था ग्राम स्तर पर, और जो मध्य स्तर होता था प्रखंड स्तर जिसे कहा जाता है वहां पर उन्होंने पंचायत समिति की बात की, और जिला स्तर पर जिला परिषद की बात कही उन्होंने। इस प्रकार से तीन संरचना है, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर पंचायत जो समिति होती थी वो, और जो जिला स्तर है वहां पर जिला परिषद की स्थापना की बात की। इन जिला जो तीनों जो पंचायत है इनके जो सदस्यों का चुनाव करने की बात की तो उन्होंने कहा कि जो ग्राम पंचायत और प्रखंड जो स्तर की पंचायत है वहां पर जो सदस्य बैठेंगे उनका जो चुनाव वो प्रत्यक्ष होना चाहिए, लेकिन जो जिला है वहां के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किया जाना चाहिए ये कहा। और यह भी कहा कि जो ग्राम पंचायत और जो पंचायत समिति है प्रखंड स्तर पर वो एक कार्यकारी बॉडी होगी, वो एग्जीक्यूटिव बॉडी होगी, जबकि जो जिला परिषद या जिला में जो बॉडी काम कर रही है, जिला पंचायत की बॉडी है जो, वो एक निदेशक के रूप में कार्य करेगी, वो केवल डायरेक्शन देगी, उनका नियंत्रण करेगी उनके कार्यों का। और यह भी कहा कि इन पंचायतों को कार्य करने के लिए उचित साधन उपलब्ध कराए जाएंगे जिनसे ये विकास कर सके, लेकिन इनकी जो संरचना है ये कहा कि मूल संरचना इसकी परिवर्तित नहीं होनी चाहिए, लेकिन इसकी जो बाकी इसके कार्यान्वयन जो इसके लागू होने में जो समस्याएं आएंगी उनको राज्य पर छोड़ दिया गया कि वो अपने हिसाब से इसको व्यवस्थित कर सकते हैं, इसकी संरचना को इसके कार्यों को, यह कह दिया गया। ये बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश थी जो महत्वपूर्ण थी। 1958 में राष्ट्रीय विकास परिषद ने इसकी मान्यता दे दी कि इनकी जो सभी सिफारिशें हैं उन्हें लागू कर दिया जाए, और इस प्रकार से 1958 में ये सिफारिशें मान ली गई। ये जो व्यवस्था है चूंकि राज्यों पर छोड़ दी गई थी कि वो इनकी जो व्यवस्था है वो देखेंगे, उनके ऊपर निर्भर करता है कि वो इसे किस प्रकार से लागू करते हैं, बस इसका मूल ढांचा परिवर्तित नहीं होना चाहिए ये कहा गया। तो इस कंडीशन में जो पंचायती राज व्यवस्था है हमारी वो अलग अलग राज्यों में अलग अलग देखने को मिली। इसकी शुरुआत वैसे तो इसे प्रायोगिक तौर पर सबसे पहले आंध्र प्रदेश में लागू किया गया था, लेकिन वो एक प्रयोग था, एक प्रायोगिक तौर पे था। लेकिन यदि ये पूछा जाए कि सबसे पहले कहाँ लागू किया गया, किस राज्य में लागू किया गया, तो इसे जो एक्चुअल में लागू किया गया था वो 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा इसका उद्घाटन किया गया, और वहां से ये व्यवस्था शुरू हुई। 3 अक्टूबर को आंध्र प्रदेश ने भी इसे अपना लिया, और ये इस प्रकार से ये व्यवस्था फैल गई, बहुत सारे राज्यों ने इसे अपनाया। लेकिन इसकी जो संरचना है वो बहुत ही भिन्न भिन्न देखने को मिली हमें, जैसे कि राजस्थान ने जब इसे अपनाया तो वो त्रिस्तरीय जो पंचायत व्यवस्था थी उसे अपनाया, लेकिन जो आंध्र प्रदेश थी उसने दो
द्विस्तरीय जो पंचायती राज व्यवस्था है उसे अपनाया, उन्होंने एक स्तर को नहीं अपनाया था, और जो पश्चिम बंगाल था उसने इसे चार स्तरीय बना दिया, चार स्तरीय व्यवस्था के रूप में अपनाया। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो बलवंत राय मेहता की सिफारिश थी उसे लागू तो किया गया, लेकिन उसे संवैधानिक दर्जा न मिलने के कारण, राज्यों पर छोड़ देने के कारण इसकी जो संरचना है वो परिवर्तित हो गई। इसका जो कार्यान्वयन हो रहा था, जो इसको लागू किया जा रहा था, वो उतनी अच्छे तरीके से नहीं किया जा सका। इसकी बाद में समीक्षा करने के लिए जब ये मृत पाए लगने लगी कि लगता है कि अब इसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा, तब इसकी समीक्षा के लिए कि इसमें क्या कमियां रह गई, इसमें कैसे क्या इसकी संरचना में परिवर्तन करके कुछ किया जा सकता है, इसके लिए अशोक मेहता कमेटी का गठन किया गया 1977 में दिसंबर 1977 में इसका गठन किया गया, जिसने अपनी रिपोर्ट अगस्त 1978 में प्रस्तुत की। और इसमें इन्होंने त्रिस्तरीय जो पंचायती राज व्यवस्था है उसको खत्म करके द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बात की। इन्होंने कहा कि जिला स्तर पर जिला परिषद होना चाहिए और प्रखंड स्तर पर मंडल पंचायत का गठन किया जाना चाहिए। ग्राम पंचायत के अस्तित्व को इन्होंने नकार दिया और ये कहा कि जो मंडल पंचायत है उसे ही कार्यकारी बॉडी बनाई जाए, जो 15 कुछ ग्रामों को शामिल किया जाए जिसकी जनसंख्या 15,000 से 20,000 के मध्य हो, कुछ गांवों को मिलाकर 15 से 20 गांवों को मिलाया जाए और मंडल पंचायत का गठन किया जाए, और इसे जो विभिन्न कर्तव्य है जो दायित्व है इन्हें सौंप दिया जाए, और जो जिला है उसको विकेंद्रीकरण की ध्रुव बना दिया जाए कि वहां से ही सारी जो योजनाएं हैं वो फैलेंगी और इसका एग्जीक्यूशन करेगी मंडल पंचायत। इस प्रकार से सिफारिश की गई और यह कहा गया कि जो राजनीतिक दल है उनकी सक्रिय भागीदारी इन पंचायतों के जो चुनाव होते हैं उनमें की जाए। इस प्रकार से ये व्यवस्था का सुझाव दिया, लेकिन ये व्यवस्था लागू नहीं की गई क्योंकि इसमें जो ग्राम पंचायत है उसी के अस्तित्व को हटा दिया गया था। इसके कारण जो पंचायती राज व्यवस्था है उसके जो मेन स्वरूप है उसका वो ही खत्म हो जाता यदि ग्राम पंचायतें काम नहीं करती, तो इसलिए जो अशोक मेहता की सिफारिश थी इसे नहीं माना गया। कुछ समय पश्चात देखा गया कि जो पंचायतें उनमें नियमित चुनाव नहीं हो पा रहे हैं, कई बार ये विघटित हो जा रही है, निलंबित कर दी जा रही है, जिसके कारण इनमें पूर्णता अनियमितता आ गई और ये जो व्यवस्था थी पूरी चरमरा गई, अपनी मृत प्राय स्थिति में आ चुकी थी। इसकी समीक्षा के लिए इसे फिर से कैसे जिंदा किया जाए, इसे फिर से कैसे जीवित किया जाए, इसके लिए जेवीके कमेटी का गठन किया गया 1985 में जीवीके कमेटी गठित हुई। इसने इसका मेन रीजन बताया कि जो पंचायती राज व्यवस्था है केवल नौकरशाही व्यवस्था के रूप में रह गई है, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं केवल उनका ही अधिकार है, वो जनता की नहीं सुनते हैं, इनके इनमें जनता की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित नहीं हो पा रही है, हमें ऐसा करने के लिए जनता को भागीदार बनाना होगा। उन्होंने कहा कि जो जिला परिषद है उसे उसका प्रजातांत्रिक ध्रुवीकरण किया जाए और जो ग्राम पंचायत में लोग निवास कर रहे हैं उनको महत्वपूर्ण स्थान दिया जाए, जो गांव के लोग हैं उनको प्रतिनिधि के रूप में चुना जाए, यह कहा जीवीके कमेटी ने। इस प्रकार जीवीके जो कि 1985 में गठित हुई थी इसकी सिफारिशों पर विचार करने के लिए फिर से एलएम सिंघवी कमेटी का गठन किया गया, जो कि 16 जून 1986 को गठित की गई, और इसने 28 जुलाई 1986 से अपना कार्य प्रारंभ किया और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी 5 नवंबर 1986 को, जिस रिपोर्ट में इसने बताया कि जो पंचायती राज है वो इसलिए मरणासन स्थिति में पहुंच गए क्योंकि इनमें नियमित चुनाव नहीं हो रहे हैं, तो पहली सिफारिश की कि इनमें नियमित चुनाव कराए जाए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जो पंचायती राज व्यवस्था है उसे संवैधानिक दर्जा प्रदान किया जाए ताकि इन्हें जो नियम है वो उनकी सख्ती से पालन की जाए और जो व्यवस्था है जो अभी नौकरशाही में बदल गई है ये ऐसी ना हो बल्कि जनता की इनमें भागीदारी सुनिश्चित हो सके। इसके अलावा उन्होंने ग्राम स्तर पर ग्राम न्यायालय बनाने की भी बात की, ग्राम त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था के अलावा ग्राम न्यायालय की स्थापना की भी बात की, और इसके बाद एक और समिति बनी, एक अंतिम समिति थुंगल समिति जिसे 1988 में ही बनाया गया था, इन्होंने भी संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की बात की गई। इन विचारों को देखते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी जो थे उन्होंने इस व्यवस्था को लागू करने के लिए 64वां संविधान संशोधन लाने का प्रयास किया, लेकिन जो कांग्रेस की सरकार है वो गिर गई जिसके कारण इसे लागू नहीं किया जा सका। इसके बाद हम देखते हैं कि जो वीपी सिंह जो कमेटी थी वीपी सिंह उन्होंने इसका प्रयास किया लेकिन फिर से सरकार गिर गई और फिर से ये लागू नहीं हो सका। लेकिन इसका जो मुख्य प्रयास है वो हम नरसिम्हा राव जो जब प्रधानमंत्री बने शंकर दयाल शर्मा जिस समय राष्ट्रपति थे उस समय इसे इंट्रोड्यूस किया गया, और इस समय एक अच्छा प्रयास ये किया गया कि इनमें राज्यों की विभागीदारी सुनिश्चित कर दी गई कि राज्य भी अपने सुझाव दे सकते थे, जिसके कारण ये जो पंचायती राज अधिनियम है इसे लागू करने के लिए पेश किया गया लोकसभा में, तो इसे लोकसभा में पेश किया गया 22 अप्रैल को
22 अप्रैल 1992 को लोकसभा में पारित हो गया, 22 अप्रैल 1992 में लोकसभा से पारित हुआ, 23 अप्रैल 1992 में ये राज्यसभा से पारित हुआ और 20 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति ने इस पर हस्ताक्षर कर दिए और इस प्रकार जो ये अधिनियम है, जो ये विधेयक था वो अधिनियम बन गया और इसे 24 अप्रैल 1993 को लागू कर दिया गया। और इसे लागू करने के पश्चात सबसे पहले मध्य प्रदेश ने अपनाया था, मध्य प्रदेश द्वारा इसे अपनाया गया था और उस समय छत्तीसगढ़ चूंकि मध्य प्रदेश का हिस्सा था इसलिए एक साथ इन पर लागू कर दिया गया। ये 24 अप्रैल 1993 से जो पंचायती राज व्यवस्था है वो लागू कर दी गई और इस प्रकार इस पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत 73वां संविधान संशोधन किया गया। 73वां संविधान संशोधन करके हमारे भारतीय संविधान के भाग 9 में, जो भारतीय संविधान का भाग 9 है पंचायती राज, उसमें 243 जो अनुच्छेद है उसमें और अनुच्छेद जोड़े गए और इनकी संख्या 16 कर दी गई, जो 243 से 243 ओ तक 16 अनुच्छेदों का वर्णन है जिसमें विभिन्न पंचायत के कार्य, उसके कृत्य, उसके अधिकार, उसकी शक्तियां, उसका बना रहना, ये सारी चीजों का वर्णन है 16 अनुच्छेदों के अंतर्गत। इसके अलावा जो हमारी अनुसूची है उसमें 11वीं अनुसूची जोड़ी गई जिसमें 29 विषय सौंपे गए पंचायती राज को, जिन 29 विषयों पर वो नियम और कानून बना सकती, जिन पर वो कार्य कर सकती है वो 29 विषय सौंपे गए। इसके अलावा इसके अंतर्गत धाराएं बनाई गई जो इसे लागू करने के लिए 132 धाराएं जो कि पंचायती राज से संबंधित है और इनका 15 अध्यायों के अंतर्गत वर्णन किया गया है पंचायती राज अधिनियम में। तो इस प्रकार ये पंचायती राज जोड़ा गया हमारे भारतीय संविधान के भाग 9 में पंचायती राज की स्थापना की गई। देखते हैं कि इनमें जो अनुच्छेद वर्णित है उनके विषय क्या है, पहले विषयों पर चर्चा कर लेते हैं फिर इसको डिस्क्रिप्शन में देखेंगे कि किस प्रकार से इसको डिस्क्राइब किया जा सकता है, इनमें क्या क्या प्रावधान है उनकी चर्चा हम फिर से करेंगे। पहले देखते हैं कि अनुच्छेदों के विषय क्या है, तो हम देखते हैं कि जो 243वां अनुच्छेद है उसमें परिभाषाएं बताई गई हैं, जैसे कि इस जो भाग में, भाग 9 में वर्णित जो शब्द है, जैसे कहीं पर ग्राम सभा का वर्णन हुआ है, कहीं पे पंचायत शब्द का प्रयोग हुआ है, कहीं पे और ऐसे शब्द जो आते गए हैं उनका मतलब क्या समझा जाना चाहिए, इसके बारे में परिभाषाएं बताई गई है 243 में। 243 में परिभाषाएं हैं, 243 ए में जो गठन किया जाएगा ग्राम सभा का, तो ग्राम सभा का वर्णन किया गया है 243 ए में। 243 बी में पंचायतों के गठन की बात की गई है। देखिए ग्राम सभा और पंचायत दोनों में अंतर होता है। ग्राम सभा जो उस ग्राम के निर्वाचित मेंबर, मतलब जो उस ग्राम में निर्वाचन के लिए अधिकारी होते हैं, कहने का मतलब है जो मतदान कर सकते हैं ऐसे लोगों को मिलाकर ग्राम सभा बनती है। किसी ग्राम में जो ऐसे लोग हैं जो मतदान कर सकते हैं उन्हें मिलाकर ग्राम सभा बनती है और इन ग्राम सभा से जो प्रतिनिधि चुन के आते हैं, मतलब पंच और सरपंच, उनसे पंचायत बनती है। तो इन दोनों में अंतर है, ग्राम सभा और पंचायत में। तो 243 ए में ग्राम सभा का वर्णन किया गया है और 243 बी में ग्राम पंचायतों के गठन की बात की गई है। वहीं पर 243 सी बात करता है इसकी संरचना के बारे में कि पंचायत की संरचना कैसी होगी, जो त्रिस्तरीय संरचना देखते हैं उसका प्रावधान है 243 सी में। इसके बाद हम देखते हैं 243 डी स्थानों के आरक्षण की बात करता है कि किस प्रकार से एसटी एससी और महिलाओं को पंचायत में स्थान दिया जाएगा, उनको किस प्रकार से आरक्षण दिए जाएंगे, ये लिखा गया 243 डी के अंतर्गत। वहीं 243 ई पंचायतों की अवधि की बात करता है कि कितने समय के लिए ये पंचायत गठित की जाएंगी, इनका कार्यकाल कितना होगा, ये 243 ई के अंतर्गत बताया गया है। 243 एफ जो है वो पंचायतों के सदस्यों की निर्भरताएं, उनकी योग्यताओं के बारे में बात करता है कि उनकी योग्यता क्या होगी, किस प्रकार कौन सी योग्यता पूर्ण करने पर वो सदस्य बनने के लायक होंगे पंचायतों के, ये कहता है 243 एफ। 243 जी जो है वो पंचायतों की शक्तियों के बारे में, उनके अधिकारों के बारे में, उनके उत्तराधिकारों के बारे में बात करता है 243 जी। वहीं 243 जो एच है वहां पर पंचायतों के द्वारा अधिरोपित कर, जो कर का आरोपण किया जाता है उस कर के बारे में और उनकी निधियों के बारे में, जो पंचायत की निधियां होती हैं उनके बारे में चर्चा करता है एच। और वहीं जो अनुच्छेद 243 आई है वो यहाँ पर वित्तीय प्रबंधन से संबंधित जो वित्त आयोग गठित किए जाते हैं उनकी चर्चा करता है 243 आई। 243 जे है जो 243 जे है वो पंचायतों के लेखन कार्यों के जांच की जो प्रक्रिया है उसका वर्णन किया गया है 243 जे में, लेखन कार्यों के जांच का।
वहीं पर 243 जो के है वो पंचायतों के निर्वाचन की बात किया करता है कि उनका निर्वाचन कैसे होगा, प्रत्यक्ष होगा, अप्रत्यक्ष होगा, किस प्रकार से होगा, इसकी चर्चा करता है 243 के। वहीं पर 243 जो एल है वो बात करता है संघ क्षेत्र, जो संघ राज्य क्षेत्र होंगे वहां पर इस पंचायती राज अधिनियम के लागू होने की चर्चा करता है 243 ए। और वहीं पर 243 जो एम है वो कुछ क्षेत्र जो होंगे जैसे कि जम्मू कश्मीर का क्षेत्र है, जो अनुसूची चार सॉरी अनुसूची पांच और छह में वर्णित जो क्षेत्र हैं, ठीक है, अनुसूचित क्षेत्र जो आते हैं जैसे कि असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम है ना, और इसके अलावा नागालैंड का कुछ क्षेत्र, पश्चिम बंगाल का कुछ क्षेत्र, तो इन क्षेत्रों में ये पंचायती राज के लागू ना होने के संबंध में चर्चा की गई है 243 एम में, कुछ क्षेत्रों में इसका लागू ना होना ये बताया गया है 243 एम में। वही 243 जो एन है वो बात करता है विद्यमान विधियों, जो विधि बनाई गई है पंचायती राज अधिनियम के लिए, और पंचायतों के बने रहने की बात करता है कि किस कंडीशन में ये विधियां बनी रहेंगी, किस कंडीशन में ये नहीं बनी रहेंगी, इसके बारे में बात करता है 243 एन। और वहीं पर जो हमारा अंतिम अनुच्छेद है इसका 243 ओ चर्चा करता है कि निर्वाचन के संबंधित जितने भी मामले होंगे, निर्वाचन के संबंध में जो विवाद उत्पन्न होगा उसका निपटारा उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा न्यायालय, न्यायालय हमारा हस्तक्षेप नहीं कर सकता है इस संबंध में। इस प्रकार से ये 16 अनुच्छेद है जिनका वर्णन किया गया है। अब आगे के वीडियो में हम इन अनुच्छेदों का डिटेल में अध्ययन करेंगे कि इनके विषय क्या हैं, इनके अंतर्गत किस प्रकार से चर्चा की गई है। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सीजीपीएससी ज्ञान को सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसे ही डले आप तक पहुंच सके। हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें ताकि उनको भी हेल्प मिल सके। थैंक यू। इम्पॉर्टेंट खबर में भी शेयर करनी है कि जो हमारा विजुअल कार्ट का जो टेस्ट सीरीज प्रोग्राम है सीजीपीएससी के लिए वो 15 सितंबर से चालू होने वाला है और हमारा एंड्रॉयड ऐप भी उसी दिन लॉन्च होगा, ठीक है। और इसके अलावा आपको अगर कोई पेन ड्राइव कोर्स लेना है तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं सीजीपीएससी के लिए, ठीक है। सब्सक्राइब आवर YouTube चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस एन अपडेट फ्रॉम सीजीपीएससी ई ज्ञान। विजिट आवर वेबसाइट visualcard.com टू गेट कंप्लीट वीडियो सीरीज।